अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नईम अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूं। और इस वक्त मैं आज आया हूं पेशावर ज़ू में, तो आपको सैर कराते हैं पेशावर ज़ू की। उससे पहले अगर आपने मेरी बाग नारान और शाही बाग वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर वहाँ पर भी फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको दिखाते हैं पेशावर का चिड़ियाघर। अगर हम पेशावर ज़ू की हिस्ट्री की बात करें तो पेशावर ज़ू जो है वो बाकायदा इसका जो संग बुनियाद था वो फरवरी 2016 में उस वक्त की चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब ने किया था, और उसकी बाकायदा ओपनिंग जो थी वो 12 फरवरी 2018 को हुई थी और उसको पब्लिक के लिए खोला गया था। इसके जो रकबा है वो तकरीबन 29 एकड़ का ये रकबा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर रखे गए। शुरू में जो जानवर लाए गए थे वो लाहौर के चिड़ियाघर से लाए गए थे, जिसमें शेर वगैरह जो थे वो लाहौर से लाए गए थे। पेशावर ज़ू के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट ज़ू है। इसमें ना सिर्फ जानवर परिंदे वगैरह रखे गए हैं बल्कि बच्चों के लिए भी जो है वो काफ़ी सारे खिलौने हैं। तो फैमिली पार्क का ये है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आए तो इन्जॉय करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं जी बंगाल टाइगर, जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ किताबों में देखा होगा। आज हम पहली बार आपको लाइव दिखा रहे हैं, टाइगर दिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारे आज हम आपको जानवर दिखाने वाले हैं। तो ये जानवर जो है आपने इससे पहले सिर्फ और सिर्फ किताबों में देखे होंगे, तो आज पहली बार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं वो सारे आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। बात करती है थोड़ी शेर से उधर है साथ में। इधर आना, भाई से बात कर जरा। छोड़, खाना खाया कि नहीं खाया? ढूंढ रहे। छोड़, डांसिंग मशीन दे, डांसिंग है तो मोबाइल दे बच्चे। पत्थर को
देखना भी माड़ा अभी हम मिलने जा रहे हैं जी बादशाह सलामत से और आपकी भी मुलाकात करवाते हैं बादशाह सलामत से। अगर आपने बादशाह सलामत से आपने कुछ कह रहे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो नेक्स्ट टाइम पर हम दोबारा बादशाह सलामत के दरबार पर आएंगे और उसके सामने आप लोगों के सवाल वगैरह रखेंगे। लेकिन इस बात पे खफा नहीं हो अगर वो सोया हो। ये जी बादशाह सलामत अपने दरबार में घूम रहा है, अभी हम जाते हैं दरबार में बादशाह सलामत से मुलाकात करते हैं और आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। वो बेचैन बैठा है आप लोगों से मुलाकात के लिए, आप देख रहे हैं। तो ये है जी हमारा बादशाह सलामत अपने दरबार में जो है वो बिल्कुल बेताब जो है घूम रहा है। तो आपने मुलाकात करनी तो आए उनसे मिलें और आप लोगों से मुलाकात के लिए बहुत बेताब बैठा है, बिल्कुल उदास बैठा हुआ है। तो अगर बहुत ख्वाहिश रखता है तो जंगल के ऊपर चढ़ जाए। हाँ, ये वैसे भी लंदन जाने वाला है कुछ दिनों बाद, तो मिलने तो अभी आके मिल लें तो फिर ये लंदन चला जाएगा, फिर आपकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। फिर इसको क्या बोलते हैं, शेर है और क्या, वाइट टाइगर। हां वाइट नंबर नहीं चल पड़ेगा ऑपरेटर हाई कोर्ट। हां इस तरह मेरी तरफ यार इसके कलर्स बहुत जबरदस्त है यार, एक आई का एक कलर है दूसरे का दूसरा है, पता नहीं।
आई होप कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद और भी इस तरह की वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहे और बेल का बटन दबाएँ।